है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण मोर भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल बरवाला के अंदर एज ए फिजिक्स फैकल्टी। आज हम क्लास टेंथ का साइंस के अंदर फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से का एक पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज और स्टैटिक का मीनिंग है एट रेस्ट। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ए ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट। इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज एट रेस्ट का मीनिंग है जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है तो उस टाइम वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्ज एट रेस्ट की सभी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रो वर्ड्स का जो मीनिंग है वो चार्ज होता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। जो चार्ज है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो हमारे द्वारा पैदा की जाती है बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड। तो हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को पैदा कर सकते हैं डिफरेंट मेथड का प्रयोग करके। अब ये प्रॉपर्टी क्या करती है, जब किसी भी बॉडी पर यह प्रॉपर्टी पैदा होती है तो वो दूसरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है। तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस बाय अस विच हेल्प टू अप्लाई ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने में मदद करती है। तो जो हमारा चार्ज है इसको हम क्या उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, कूलम्ब। अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो चार्ज की जो CGS यूनिट है वो क्या होती है, स्टैट कूलम्ब होती है। तो आगे जो चार्ज की क्या है मेथड ऑफ चार्जिंग, भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को कैसे पैदा कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ते हैं चार्ज के टाइप्स। चार्ज आपके 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जिस बॉडी के अंदर चार्ज को लूज करने की कैपेसिटी होती है, जो बॉडी चार्ज डोनेट करती है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी चार्ज गेन करती है उसके ऊपर हमेशा कैसा नेगेटिव चार्ज आता है। तो जैसे हम आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाना चाहूँगा कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर, और दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया। जैसे कि हम कोई भी एक एटम लेते हैं, जैसे कि आप जानते हो एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, सेम। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इक्वल है 10-10, ठीक। तो अगर हमारी बॉडी, इसमें से आपको पता है कि कोई भी बॉडी है ना तो प्रोटॉन देती है ना प्रोटॉन लेती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, इलेक्ट्रॉन ही गेन करती है। तो अगर हम मानते हैं कि इस बॉडी को किसी भी मेथड के द्वारा हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी बच जाएगी, 9, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 10। अब प्रोटॉन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से क्या है, 1 ग्रेटर है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू ग्रेटर है, पॉजिटिव चार्ज की। तो इस बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार हम अब इस बॉडी में एक अदर एटम लेते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू हमने 6 मानी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने 6 मानी, तो यहाँ पर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करती है तो इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,
नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6। अब किसकी वैल्यू ग्रेटर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ग्रेटर है, कितनी ग्रेटर है 1 ग्रेटर है, तो इसके ऊपर क्या जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसका ज्यादा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।